दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो वीडियो में हम बात करने वाले जेई मेन एडमिट कार्ड के बारे में। तो जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज की जाएंगे, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा की वीडियो में। तो मैं शौक वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चाहे पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें जो आपका जेई मेन का जो फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसके आने की पॉसिबिलिटी फिलहाल तो जनवरी में रहेगी। 24 जनवरी से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और जो प्रीवियस टू इयर्स का बताऊं तकरीबन अराउंड जो है लास्ट की बता करें 2023 का, तो फिलहाल जो है आपको एक दो आर्टिकल मैंने पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि तीन या चार दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। 2023 का डेटा आई है। फिलहाल आप गूगल पर पुराने आर्टिकल भी चेक कर पाएंगे, लेकिन जो जनरली जो एडमिट कार्ड आते हैं जेई मेन के जल्दी आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि जो मैक्सिमम डेट रहेगी वो तो आपकी रहेगी 22, बाकी 22 तक तो आपके एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे। बाकी जो 22 से पहले है यानी जो 18 से 22 के बीच आपके एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अप्रॉक्स मान के चल कि 6 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे मिनिमम। बाकी तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है वो किसी भी दिन आ सकते हैं, 15-20 के भी आ सकते हैं, लेकिन जो हाई पॉसिबिलिटी है वो आपके रहेगी 18 से 22 जनवरी के बीच। बाकी तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेड डेट है। और बाकी ऑथेंटिक और जाना है तो आप पुराना आर्टिकल चेक कर लीजिएगा 2022 की या 2023 का जो पिछले साल का है। इसको डाउन कैसे करना होगा, इसके स्टेप दिख रहे होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपने एडमिट कार्ड डाउन कर लेंगे। लिंक आपको रिकमेंडेड टैब में मिलेगा जो कि आपकी होम पेज पर होगी, वहाँ पर आपको लिंक चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।